हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक और बिहार से आप पोइट्री सेक्शन और पोइट्री सेक्शन से आपकी पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री ऑन ऑन किलिंग किलिंग ए ए ट्री ट्री बाय पटेल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर टू है चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क वट मेक्स इट ब्लीड ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है और जो बाघ है उसको ब्लीडिंग कैसे होती है वैन सम पार्ट ऑफ द ट्री इज के किसी हिस्से को भारी प्रहार से काटा जाता है या टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है या चॉप्ड कर दिया जाता है द सेप स्टार्ट oozing फ्रॉम देयर द सेप यानी कि श्राव एक किस्म का आप कहें जैसे हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है ऐसे ही पेड़ के स्टेम से तने से सैप निकलता है श्राव निकलता है तो पेड़ के जिस हिस्से के ऊपर हैकिंग या चॉपिंग की जाती है काटने के लिए भारी प्रहार किया जाता है या पेड़ को टुकड़े टुकड़ों में काटा जाता है तो उस हिस्से में से श्राव निकलना शुरू हो जाता है द ब्लीडिंग बार्क मींस दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्री वेयर इट हैज बीन हैक्ड एंड चॉप्ड तो ब्लीडिंग बार्क का मतलब है पेड़ का वो पर्टिकुलर हिस्सा वो एक विशेष हिस्सा जिस पर हैकिंग या चॉपिंग की गई है सो द बार्क ब्लीड्स ड्यू टू हैकिंग एंड चॉपिंग इसलिए जो ये बार्क है पेड़ का स्टेम है तना है ये इसमें से श्राव होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पेड़ के उस हिस्से के ऊपर हैकिंग या चॉपिंग की है दोबारा से आप समझ लीजिए हैकिंग करना भारी प्रहार करना चॉपिंग करना टुकड़े टुकड़े करना

जो अर्थ है वो पेड़ के लिए एंकरिंग अर्थ का भी काम करती है और अर्थ केव का भी काम करती है केव का अर्थ है गुफा तो देखिए ट्री की जो रूट होती है वो अर्थ सरफेस के नीचे होती है यानी कि जो जड़ है पेड़ की वो एक किस्म से गुफा के अंदर रहती है और जो अर्थ है वो पेड़ को संभाले रखती है उसको हर प्रकार का सपोर्ट देती है जो ट्री है उसको अपना जो फूड है जो वाटर है वो सारा अर्थ से मिलता है खड़ा होने के लिए जो उसे सहारा चाहिए स्पोर्ट चाहिए वो भी अर्थ से मिलता है इसलिए अर्थ को एंकरिंग अर्थ भी कहा जाता है कंप्लीट आंसर देखिए द ट्री गेट्स इट्स फूड एंड स्पोर्ट फ्रॉम द अर्थ सो इट इज कॉल्ड द एंकरिंग अर्थ द रूट ऑफ द ट्री रिमेन्स हिडन हिडन मीन्स छुपा होना अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो इट इज कॉल्ड अर्थ केव ट्री गेट्स इट्स फूड एंड स्पोर्ट फ्रॉम द अर्थ देखिए जो पेड़ है उसको अपना खाना और जो सहारा है वो धरती से मिलता है अर्थ से मिलता है सो इट इज कॉल्ड द एंकरिंग अर्थ इसलिए इसको एंकरिंग अर्थ कहा जाता है अर्थ को एंकरिंग अर्थ कहा जाता है द रूट ऑफ द ट्री रिमेन हिडन लेकिन पेड़ की जो जड़ होती है वो छिपी रहती है अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ धरती के सरफेस या धरती की सतह के नीचे धरती की जो ऊपरी सतह है उसके नीचे पेड़ की जो जड़ है वो छिपी रहती है सो इट इज कॉल्ड अर्थ केव इसलिए उसको अर्थ केव भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री डज द पोइट मीन बाई द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज एक्सपोज कर देना पोल खोल देना स्ट्रेंथ ताकत पावर शक्ति सो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मीन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री ज एक्सपोज यानी कि पेड़ की जो ताकत है उसकी पोल खुल जाना इसका क्या अर्थ हुआ कंप्लीट आंसर देखिए वी ऑल नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट हम सभी को पता है पेड़ की जो असली ताकत है वो उसकी जड़ में रहती है सो वेन द ट्री इज अपरूटेड कंप्लीटली इसलिए जब पेड़ को पूर्ण रूप से जड़ के सहित उखाड़ दिया जाता है या पेड़ की जड़ को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है एनी वन कैन सी इट्स रूट तो पेड़ की जड़ को हर कोई आसानी से देख सकता है सो वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ की जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो चुकी है एक्सपोज कर दी गई है

स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन टू है, है. यह सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षा सफलता डॉट कॉम पर मिल जाएंगे और अपनी बाकी जो आपकी अदर पोएम्स हैं लेसन है उनके क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर थैंक्स हैव अ नाइस डे